basically roll hui hui gaadi hai ye sab ye iska damage hai ye sab ye bani hui hai chhat pillar wagera assalam alaikum viewers di karachiiet pe aapko welcome kehte hain acha main hu ahsan naeem aur aaj ka scene ye hai ki main ek olx ke through gaadi visit karne ja raha hu basically olx pe maine ek gaadi ka ad dekha aur काफ़ी दिनों से दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी कि जी मैं ट्रैवलिंग के ऊपर यूट्यूब अपना कंटेंट बनाता हूँ, मेन किरदार मेरे कंटेंट में मेरी गाड़ी का है, सुजुकी ऑल्टो का। और ऑल्टो नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत केपेबल कार है, बड़ा अच्छा मैंने इस पर अब तक अलहम्दुलिल्लाह सफ़र तय किया है। ऑल्टो के साथ एक इशू ये है कि ये छोटी है थोड़ी, और फिर ये जाहिर है कार है, हैचबैक है। अब तक जो मैंने सफ़र किया है वो मेनली हाईवेज़ का किया है और बहुत कम ऑफ रोड ट्रैक या कच्चे पैच मैंने अब तक देखे, सिवाय वो कोहे बातिल गवादर सीरीज़ में जो मैं चढ़ा था, तो वो मैंने तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का जो है वो ऑफ रोड ट्रैक इसके थ्रू किया था, और कोहे बातिल टॉप माउंटेन पर हम लोग वाया ऑल्टो गए थे। सीन यह है कि जो अपकमिंग सीरीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, उन सीरीज़ में जो भी गाड़ी मैं यूज़ करने वाला हूँ या यूज़ करना चाहता हूँ उसका बड़ा किरदार है उसमें, क्योंकि अब तक मैंने जो ट्रैवल की या तो इस्लामाबाद या शोगरान तक किया है, वहाँ भी मेटल रोड है, अब कुछ पैचेस ऐसे भी आ सकते हैं या कुछ टेरेन्स मुझे ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर ऑफ रोड गाड़ी का काम हो, तो उसके लिए मैंने एक गाड़ी सेलेक्ट की है सुजुकी जिमनी, तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि कोई अच्छी गाड़ी मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी इस ट्रैवल सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। जिमनी का सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक लाइट वेट 4x4 मिनी एसयूवी है, और उसमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, डिफरेंशियल लॉक उसमें मौजूद है, फिर उसके अलावा काफ़ी फीचर्स एक अच्छी से 4x4 या एसयूवी में आते हैं वो उसमें तमाम मौजूद हैं। फिर उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो 660 सीसी है, 660 सीसी होने के बाद उसमें टर्बो भी है, तो 15-16 का 14 का तकरीबन 13-14-15 तक का इस तरह वो एवरेज कर जाती है सुजुकी जिमनी अगर आप उसको तरीके से चलाएँ तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक ऐसी गाड़ी की तलाश है जो मेरे ये सारे मसले हल कर दे, कि अगर मुझे कहीं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या ट्रिप कहीं ऑफ रोडिंग मिल जाती है तो वो भी मैं कर पाऊँ, फिर साथ में इकोनॉमिकल भी रहे और साथ में एक कॉम्पैक्ट साइज़ में भी रहे, तो सुजुकी जिमनी मेरी तमाम नीड्स पे पूरा उतरती दिख रही है, इसलिए फिर मैं इस गाड़ी का अभी इस वक्त जो है वो सर्च स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने कॉल की है पार्टी को, सेलर पार्टी को वाया ओएलएक्स, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ गाड़ी देखने, और फिर मैं आपको भी गाड़ी दिखाऊंगा कि जो गाड़ी मैं देखने जा रहा हूँ इंशाल्लाह उसको एक वॉक अराउंड आपको भी दूंगा, आप लोग भी मशवरा दीजिएगा, और आप में से किसी के पास सुजुकी जिमनी अवेलेबल हो तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, तो आपके पास भी आके हम देख सकते हैं। तो खैर वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और कोई पॉजिटिव बात हो तो आप ज़रूर कमेंट भी किया करें, और कोई करेक्शन हो तो भी कमेंट किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, उसके अलावा आपका और मेरा एक कम्युनिकेशन गैप कम होता है। आपको गाड़ी के पास जाके मज़ीद अपडेट करते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो ये है जी जिमनी, रेड पे कुछ का है, गाड़ी कुछ निकली है, ये बेसिकली रोल हुई हुई गाड़ी है, ये सब ये इसका डैमेज है, ये सब ये बनी हुई है छत पिलर वगैरह, अच्छा नहीं हुआ हुआ काम भी अच्छा नहीं हुआ हुआ, काम अच्छा हुआ हुआ होता ना तो एक तो ये पकड़ में भी नहीं आ रही होती इतनी आसानी से, और नहीं पकड़ में फिर भी आ जाती है, वो तो चलो सही है लेकिन फिनिशिंग होती ना, मुझे लाइन चेक कर। अच्छा जी, तो गाड़ी सुजुकी जिमनी हमने देखी, बट ये है कि समझ में नहीं आई गाड़ी कि
जो वो साइड से एक साइड से ये वाला जो पार्ट है गाड़ी का ये डैमेज है और डैमेज हो के फिर वो बना हुआ है, मतलब गाड़ी जो है ना वो एक साइड से गिरी है। डोर्स हैं, फेंडर है, ये भी सब पेंट है गाड़ी में, तो इसलिए गाड़ी हमने ड्रॉप कर दी है अपने प्लान लिस्ट से। देखें क्या होता है या कौन सी गाड़ी अभी हम जो है वो ख़रीदते हैं ताकि हम आगे अपने टूर में यूज़ कर सकें उस गाड़ी को, ये अभी फैसला होना बाकी है। कोशिश में हूँ कि कोई अच्छी गाड़ी, कोई अच्छी डील मिल जाए मुझे, बट जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा कि कोई अच्छी गाड़ी हमें अल्लाह दिला दे ताकि हम यूट्यूब कॉन्टेंट को आगे बढ़ा सकें। खैर, आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह, या और कोई गाड़ी में देखने गया तो आप लोगों को साथ ले चलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।